हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस साइड विष्णुकांत फ्रॉम गोयल किचन इक्विपमेंट्स। आज हम आए हैं सेवन वंडर्स बेकरी अलीगंज लखनऊ में। इस बेकरी का सारा काम गोयल किचन इक्विपमेंट्स के द्वारा किया गया है। आइए हम आपको बेकरी के अंदर लेके चलते हैं कि हमने बेकरी किस तरह से डिज़ाइन की है और प्रॉपर किस तरह हमारी डिज़ाइनिंग प्लानिंग सारी चीज़ें हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर गोयल किचन इक्विपमेंट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। आइए हम आपको बेकरी के अंदर लेके चलते हैं। बेकरी में आपको दिखाएंगे किस तरह से हमने सारी चीज़ें प्लानिंग के थ्रू लगाई हुई हैं। आइए आपको बेकरी में ले चलते हैं। इसमें हम आज आपको बताएंगे जब आप बेकरी में कोई भी ओपनिंग करें तो ये डिस्प्ले काउंटर, ये डिस्प्ले दैट इज़ द हार्ट ऑफ द बेकरी। इसमें हम सारी चीज़ ओपनली देख सकते हैं, जो भी चीज़ हमको लेना है तो प्रॉपर इसमें आप देख सकते हैं। सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें रखी हुई हैं, हर चीज़ का प्रॉपर तरीके से प्राइस भी लगा सकते हैं जिससे कस्टमर आसानी से आकर अपनी नीड के अकॉर्डिंग सारी चीज़ परचेज कर सकें। उसके अकॉर्डिंग सारे डिस्प्लेस हैं। आइए आपको पास से दिखाते हैं सारे डिस्प्लेस में क्या क्या लगा हुआ है। ये डिस्प्ले काउंटर है, केक है, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रखी हुई हैं। इसकी प्लानिंग डिजाइनिंग गोयल किचन इक्विपमेंट्स के द्वारा की गई है। सेटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर यहाँ किया गया है, जहाँ जैसे आकर लोग अपना कोई भी चीज़ खा सकते हैं, बैठ के आसानी से अपना सारी चीज़ ले सकते हैं। ये तीन डिस्प्ले काउंटर हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं गोयल किचन इक्विपमेंट्स से। तो इसमें बेस्टर्न कंपनी का ये प्रॉपर हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। ये इसमें हर किसी का एक नॉर्मल टेम्परेचर पर कूलिंग में रहता है। इसमें कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है, लॉन्ग टाइम तक आप रख सकते हैं। एक अच्छी क्वालिटी के साथ हम क्लाइंट्स को सर्विस दे सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं बेस्टर्न का जो हमने बीजी कूलर दिया है। ये एक बीजी कूलर है जो हमने प्रोवाइड किया है, ये गोयल किचन इक्विपमेंट्स के द्वारा दिया गया है। इसमें आप कोई भी चीज़ अपना रख सकते हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर ठंडा रख सकते हैं। आइए हम आपको किचन के अंदर लेके चलते हैं। ये कोल्ड किचन है, इसमें आप ये देख रहे हैं डीप फ्रीजर हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। इसमें आप कोई भी चीज़ अपना स्टोर करके रख सकते हैं जो अच्छी तरह से बनी रहती है, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है, उसकी क्वालिटी बेस्ट रहती है। अब हम हॉट किचन के अंदर आ चुके हैं। हॉट किचन हम लोगों ने ओवन प्रोवाइड किया है, ओवन जिसमें हम इडली अपना कोई भी कुकीज आइटम बना सकते हैं, पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इसमें कई तरह के आइटम एक हॉट टेम्परेचर पर इस पर बना सकते हैं। ये 3 deck 6 tray ओवन है। ये हमने प्लेंट्री डो बनाने के लिए दिया है, फूड मिक्सचर। इसमें हम कोई भी डो बना सकते हैं आसानी से, इजली तरीके से हम कोई भी डो बना सकते हैं। ये ब्रेड स्लाइसर मशीन है, ब्रेड स्लाइसर हमने दिया है जिसमें हम ब्रेड को एक शेप में कटिंग कर सकते हैं आसानी से जल्दी इसमें कटिंग हो जाती है, प्रॉपर एक शेप में होती है। कोई सारे साइजेस एक सिंगल साइज में हम लोग इसको आसानी से कटिंग कर सकते हैं। इसमें ये हमने एक प्रिपरेशन सेक्शन या प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें आसानी से अपना कोई भी आइटम्स जब हमारा ओवन में रेडी होता है, रेडी होने के बाद आसानी से हम यहाँ रखकर अपना काम इजली कर सकते हैं, हमको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर हम कोई बेकरी की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक सिस्टमेटिक हॉट किचन है। हॉट किचन में आप देख रहे हैं जैसे ओवन है, फूड मिक्सर है, ब्लेड स्लाइसर है। इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ हम अपने बेकरी को आसानी से रन कर सकते हैं, इजली रन कर सकते हैं। इन सारे आइटम्स की नीड्स होती है, वो सारे आइटम्स हमने यहाँ पर दिखाए हैं आपको। हॉट किचन के अंदर, कोल्ड किचन के अंदर कौन कौन से आइटम्स की नीड होती है वो हमने आपको बताया। डीप फ्रीजर है और आपका बीजी कूलर है, ये सारे आइटम्स हैं जो हमें कोल्ड किचन के लिए आइटम्स की नीड होती है। और फ्रंट्स में जो हमने आपको दिखाया था सबसे पहले जब हमने एंटर किया था तो आपको हमने दिखाया था आपका डिस्प्ले काउंटर। डिस्प्ले काउंटर को हम हार्ट ऑफ द बेकरी बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई भी क्लाइंट एंटर करता है हमारी बेकरी के अंदर तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो चीज़ है वो देखने के लिए वो आपके डिस्प्ले में ही देखता है। तो डिस्प्ले काउंटर बहुत ही अच्छी कंपनी का हमने प्रोवाइड किया है गोयल किचन इक्विपमेंट्स के द्वारा। इस बेकरी का पूरा सेटअप, सेवन वंडर्स बेकरी का पूरा सेटअप गोयल किचन इक्विपमेंट्स के द्वारा किया गया है। हमारी प्लानिंग डिजाइनिंग सारी टीम सारा काम करती है, उस टीम के अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें प्लान करके एक बेस्ट बेकरी और बेस्ट सर्विस हम क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं इजली। आज हमारे साथ सेवन वंडर्स बेकरी के ऑनर मिस्टर शहजाद अली जी हैं, तो इनसे हम पूछेंगे बेकरी की जो उन्होंने प्लानिंग की, जो हमारी टीम की तरफ से जो वर्क किया है उसका हम फीडबैक लेंगे
किस तरह से हमारा जो काम हुआ उसकी सर्विस कैसी रही है, वो इक्विपमेंट्स किस तरह से काम कर रहे हैं, प्रॉपर इन्होंने कितना बजट में खर्चा हुआ है, तो किस तरह से इनका क्या अभी तक की क्या कॉस्टिंग आ रही है, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। हेलो सैयद जी, दिस साइड विष्णुकांत फ्रॉम गोयल किचन इक्विपमेंट, कैसे हैं सर? सैयद जी आप बताइए कि जो आपको यहाँ जो हमने सारी सर्विस जो दी है आपके गोयल किचन इक्विपमेंट्स की तरफ से, जितने भी ओवंस दिए गए हैं आपको, आपको प्लेंटरी मिक्सर दिया गया है, आपको डिस्प्ले काउंटर दिया गया है, वीजी कूलर दिया गया है, डीप फ्रीजर दिया है, जो सारे इक्विपमेंट्स की जो प्लानिंग डिजाइनिंग सारी चीज़ें, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो? सारे इक्विपमेंट अच्छी तरह से काम कर रहे हैं जी, जी। सारी सर्विस हमारी टीम की तरफ से अच्छी तरह से दी जा रही है, आपके बेकरी के अकॉर्डिंग सारे इक्विपमेंट्स में प्रॉपर हैं, कूलिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉपर गए सारे इक्विपमेंट्स, प्रॉपर कूलिंग कर रहे हैं, प्रॉपर रहे हैं तरीके से, आपका सारा कोई मटेरियल ख़राब तो नहीं हो रहा है? प्रॉपर सही काम कर रहे हैं है। और इसमें बेकरी में सर आपका अगर किचन किचन का हम देखें, जो हमारा किचन का जो हमने सेटअप किया है, तो इसकी अगर अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आपका किस बजट में आपने स्टार्टिंग की, कितना बजट लगा आपका? कितना? 5 लाख में आपकी पूरा सारे इक्विपमेंट्स की प्लानिंग डिजाइनिंग पूरा हो गया। अगर हम ऑल ओवर इंटीरियर्स की बात करते हैं कि टोटल ओवर इंटीरियर्स का, चेयर्स का, जो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द किचन, जो किचन का पार्ट नहीं है, वो इक्विपमेंट्स के अगर टोटल ओवरऑल कॉस्टिंग का कितना कॉस्टिंग आपकी आई है? 15 लाख रुपए में टोटल आपका स्टार्टिंग हो गई है जी, जी। अच्छा, अभी आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है क्लाइंट्स की तरफ से? अभी स्टार्टिंग में अच्छा रिस्पांस है, मतलब सेल अच्छी है आपकी? अच्छा, अगर कोई प्लानिंग कर रहा है बेकरी ओपन करने की लखनऊ में या अदर सिटी में, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद में, बनारस में, गोरखपुर में, तो वो 10 से 15 लाख में एक बेस्ट ओपन, जैसे मैंने डेकोरेशन प्रॉपर इनका बेकरी का दिखाया है, इतनी बेस्ट बेस्ट बेकरी, इसमें ऑल इंक्लूडिंग एवरीथिंग्स, आप 15 लाख में अपनी बेकरी की स्टार्टिंग कर सकते हैं। और सैयद जी से जैसे हमने फीडबैक लिया अपना गोयल किचन इक्विपमेंट्स की, जो भी हमने प्रॉपर प्लानिंग डिजाइनिंग और जिस तरह से दिया है, तो पूरी तरह से सेटिस्फाइड है हमारी सर्विस से, और हमारी जो भी इक्विपमेंट्स की हम फ्यूचर में भी इनको प्रॉपर तरीके से सर्विस देते रहेंगे, इस तरह से हमने आपको आश्वासन भी दिया है, और हम आपके साथ लाइफ टाइम तक जुड़े रहेंगे। और सर आप गोयल किचन जैसे आपने जब बेकरी की कोई प्लानिंग की थी, तो सबसे पहले सर आपने गोयल किचन का कैसे आपने पहुँचे उसके पास? किस ऑनलाइन किसे? इंडिया मार्ट से? जस्ट डायल से? सर जस्ट डायल से आप यहाँ हमारे पास पहुँचे हैं। उसके बाद जो हमारी जो टीम्स ने आपके से कोऑर्डिनेट किया होगा, आपसे फ़ोन किया होगा, तो उनका बिहेवियर कैसा था? अच्छा भी 3 महीने से बात हो रही है, 3 महीने से आपके साथ कंटिन्यू जुड़े रहे, आपका प्रॉपर फॉलोअप लेते रहे, मतलब हमारी टीम के साथ प्रॉपर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा है? ओके सर, थैंक यू सर।